गणेश विसर्जन का समारोह चल रहा था। इस बीच वाल्मीकि समाज के एक युवक ने कीटनाशक पी लिया। परिजन युवक को जिला अस्पताल लेकर आए, लेकिन ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर उस वक्त दूसरे मरीजों को देखने राउंड पर थे, और जब तक डॉक्टर पीड़ित युवक के पास आए तब तक युवक ने दम तोड़ दिया। फिर क्या था, युवक के परिजनों ने देखते ही देखते हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने ड्यूटी डॉक्टर और स्टाफ के साथ मारपीट की और जमकर तोड़फोड़ भी की, और जयंत मलैया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नाम का करीब 30 साल का लड़का जो जहर खा के यहाँ हॉस्पिटल आया था, तो हमारे यहाँ कांस्टेबल को जो ही सूचना मिली तो कांस्टेबल ने डॉक्टर साहब जो ड्यूटी में थे वो दूसरी जगह पेशेंट को देख रहे थे, तो उनको बुलाने गए थे। इतने में ये जो मृतक परिवार के साथ में थे, क्योंकि वो वार्ड बॉय ने देखा कि मृत अवस्था में है, तो ये लोग आवेशित होकर उदमबाजी करने लगे। वहीं संगामे और ड्यूटी डॉक्टर के साथ हुई मारपीट के बाद जिला अस्पताल के तमाम डॉक्टर हड़ताल पर चले गए, जिसके चलते एक और महिला ने दम तोड़ दिया। ये महिला एक सड़क हादसे के बाद जिला अस्पताल लाई गई थी। पूरे मामले के सामने आने के बाद डॉक्टर हड़ताल पर हैं, तो वहीं पुलिस मर कायम कर पूरे मामले की जांच में जुटी है। पेशेंट को सल्फर पॉइजनिंग में लाया गया था, जो लगभग मृत अवस्था में ही आया था हमारे पास। हमारे चिकित्सक ने तुरंत देख के उसको ऑक्सीजन लगा के और तुरंत उपचार करने की कोशिश करी, और कोशिश नाकाम रही, उसकी मृत्यु हो गई। और इससे लोग क्रोधित होके हमारे चिकित्सक के साथ मारपीट की, वार्ड बॉयों के साथ मारपीट की, अस्पताल में तोड़फोड़ की, हमारे गार्डों को पीटा, और एक पुलिसकर्मी शुभनारायण यादव है उसको भी मारा। तो हम अब किसी प्रकार का कार्य नहीं करेंगे जब तक इन असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती।